मध्य प्रदेश में दो दिन की राहत के बाद शुक्रवार से फिर बारिश का दौर शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम बन रहा है जो 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। ये सिस्टम भोपाल और नर्मदापुरम संभाग को फिर भिगोने वाला है। इंदौर उज्जैन संभाग समेत देश के अन्य जिले भी जो है भीगेंगे, लेकिन थोड़ा कम। उधर बेतवा, चंबल, पार्वती समेत अन्य नदियों में उफान से सागर, मुरैना, विदिशा, रायसेन समेत प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुरैना, श्योपुर में अब तक 5,500 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश में 19 से 22 अगस्त के बीच मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना था, जिसने जो है प्रदेश को तरबतर कर दिया। भोपाल में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। संगदा टोला, पटरिया, ज्वार, जमुनिया समेत कई जो है गाँव टापू बन गए हैं। वही विदिशा, रायसेन, गुना, राजगढ़, सागर, भिंड, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शाजापुर, देवास, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा आदि जिलों में भी जो है बाढ़ के हालात बन गए। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि नए सिस्टम से भारी बारिश होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 26 अगस्त को जो है पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके बाद अन्य हिस्सों में बारिश होगी।